बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब राजा वकार मुमताज़ साहब, जनाब मोहतरम राजा मुस्तनसर मुमताज़ साहब, जनाब गुफ्तार अहमद साहब, मेरे साथी पैनल के तमाम कौंसिल साहबान, जनाब हारून भट्टी साहब, जनाब राजा मोहम्मद अली साहब, जनाब राजा नफीस अब्बासी साहब, जनाब राजा अमीन साहब, जनाब हाफिज इमरान साहब, लेडी कौंसलर मोहतरमा शमीम अब्बासी साहबा, मोहतरमा शाजिया अब्बासी साहबा और तमाम मेरे हलका अहलियान महल्ला UC 14 को अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आज आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बलदियाती इलेक्शन को मनसूख कर दिया है, अगरचे ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी एक मरतबा मनसूख हो चुके हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इलेक्शन नहीं होंगे या हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती। दरअसल ये इलेक्शन मुलतवी इसलिए किए गए हैं कि यूनियन काउंसिल की तादाद में इजाफा किया गया ताकि इस्लामाबाद के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुमाइंदगी दी जा सके और उनको वोट का हक दिया जाए और इस तरीके से इस्लामाबाद के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नुमाइंदे मुंतखब करने में आसानी रहे। इंशाअल्लाह हमें कभी यकीन है कि अन करीब मुस्तकबिल में ये बलदियाती इलेक्शन ज़रूर होंगे। ये इस्लामाबाद के लोगों का हक है, ये शाहपुर के इलाके के UC 14 के लोगों का हक है और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी ये मेहनत लगन और इस जज्बे को जारी रखेंगे। हम आपके खिदमात के लिए हर वक्त अपने आप को पेश करते हैं और करते रहेंगे। हमारे दरवाजे आपके लिए हर वक्त खुले हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन जीत कर ही किसी की खिदमत की जा सकती है। हम इलेक्शन होने के बावजूद भी हर वक्त हर कदम पर हर मुश्किल में हर ज़रूरत के वक्त आपके साथ खड़े हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं। मेरे अहलिया ने 14 UC वार्ड के लोगों ने कम्पेन को कामयाब करने में जिस तरह हमारा साथ दिया, खसूसा मेरी इलेक्शन के कम्पेन में डोर टू डोर हम जब गए हैं, इन लोगों ने नहायत मोहब्बत खलूस से हमारी आवाज़ सुनी और हमें नुमाइंदा बनाने और वोट डालने का यकीन दिलाया और हमारी हौसला अफजाई और हिम्मत दिलाई, जिसकी वजह से हम आज इस मुकाम पर हैं। और हमें बहुत बहुत यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जीत PMLN नून की हो।